अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके रमज़ानों में भी काम आएगी। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। मैंने 2 कप मूंग की दाल ले ली थी और अच्छे से उसे वॉश कर रही हूँ। साथ ही जो है मैंने पानी को थोड़ा सा नीम गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जी जनाब, आपको ये दाल तकरीबन 6 to 7 hours के लिए भिगोनी होगी। मैंने थोड़ा सा पानी नीम गर्म ले लिया था ताकि जो है ये अच्छे से सोख हो जाए, फूल जाए। तो जनाब यहाँ पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी और इसके बाद जो है वो फिर मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं दाल को चॉप कर लिया है। थोड़ी दरदरी रखनी है हमने, बिल्कुल बारीक पिसी भी नहीं करनी क्योंकि फिर हमारी मंगोचियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, बिखर जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज ले ली थी, थोड़ा सा मोटा चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ले ली थी, आप लोग क्वांटिटी देख सकते हो। आप इन सबको मिक्स करने के बाद जो है मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले हम 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा जाएगा। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आप जो है वो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। मैंने हाथ से ही डाली है तो एहतियात के साथ आप लोग डालिएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने देख ली होगी, ज़्यादा पतला नहीं करना तो वरना आपकी मंगोचियाँ जो हैं वो बिखर जाएंगी। इस तरह से पकौड़े टाइप नहीं बनेंगी। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी ज़्यादा सख्त है तो हल्का सा बिल्कुल 1-2 बूंदें डालकर आप चॉपर चलाइएगा। ज़्यादा भर के पानी नहीं डालिएगा वरना आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है वो मेरी मंगोचियों की शक्ल आई है। और साथ ही जो आपकी चटनी देख रहे हैं इसकी रेसिपी भी इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है क्योंकि ये चटनी बहुत ही यमी और क्विक चटनी है जो कि आपके दही बड़ों के साथ ऊपर से डाल के आप खा सकते हो, आपके पकोड़ों के साथ, रोल के साथ, हर चीज़ के साथ इसका परफेक्ट मैच है। तो आपने यहाँ देख लिया है 7-8 जो है वो हरी मिर्चें हैं, 1 टमाटर है, हरा धनिया है, पुदीना है, 2 लहसुन के जवे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1 चम्मच, 1 ही चम्मच इसमें नमक जाएगा। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, आप लोग जो है वो सर्व कर सकते हैं। लाइक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये 3-4 चीज़ों के साथ तो इसका परफेक्ट मैच है और आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।